भानी देवी गोयल सरस्वती विद्यानिकेतन कॉलेज झांसी से के तिवारी फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 13 ग्रेविटेशन। इसमें हमने पिछले टर्न पर वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी एश रिलेशन एट हाइट विद ए हाइट के साथ डिस्कसिंग किया था। उसके बाद जो डिस्कसिंग है के बारे में डिस्कसिंग करने जा रहे हैं। इसके लिए पहला पॉइंट है इफ एच इज वेरी वेरी स्मॉल देन रेडियस ऑफ अर्थ आरी आई हाइट एच इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू रेडियस आरी ऑफ द अर्थ देन यूजिंग वाइनोमियल थ्योरम बी कैन राइट जी डैस इज इक्वल जी अपॉन 1+H/RE का होल स्क्वायर इज इक्वल जी इंटू 1+H/RE के घाते -2 और आगे लिख सकते हैं इसी को जी डैस बराबर जी इंटू 1-2H/RE ये समीकरण नंबर होगा 4। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम क्वेश्चन में इफ एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल देन 1 देन 1+X के घाते -N बराबर होता है 1 इक्वल होता है 1-NX। सेकेंड पॉइंट सिंस जी डैस बराबर इक्वल जी इंटू 1-2H/RE इज इक्वल जी -2GH/RE शो दैट जी -G' इज इक्वल 2GH/RE इज इक्वल डिक्रीजिंग इन वैल्यू ऑफ जी एट हाइट एच क्लियरली g-g' प्रोपोर्शनल टू एच अर्थात पृथ्वी तल से हाइट बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन का मान बढ़ता है अर्थात घटने का मान बढ़ता है। अगला जो टॉपिक है घटता तीसरा पॉइंट द लॉस इन वेट ऑफ ए बॉडी एट हाइट एच इज इक्वल mg-mg' इज इक्वल 2mgh/RE। फोर पॉइंट है वेरिएशन ऑफ जी डैस विद एच इज शोन इन फिगर नोट इफ इज वेरी वेरी स्मॉल देन आरई देन द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन जी डैस एंड एच विल बी ए स्ट्रेट लाइन। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो बी इफेक्ट ऑफ डेप्थ। इसके लिए कंसीडर द अर्थ एज ए होमोजीनियस स्फीयर ऑफ मास एमी रेडियस आरई एंड सेंटर ओ इफ जी बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ देन जी डाय जी बराबर जी एम ई बटे आर स्क्वायर इप्स नंबर 1। अगला है इफ रो इज द डेंसिटी ऑफ द अर्थ देन एम ई इज इक्वल 4/3 पाई इंटू आर ई क्यू इंटू रो इस देयर फोर जी बराबर जी इंटू 4/3 पाई आर ई क्यू इंटू रो अपॉन आर ई स्क्वायर इसलिए जी बराबर 4/3 पाई जी आर ई इंटू रो इक्वेशन नंबर 2। नाउ कंसिडर ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम इज सिचुएटेड एट द सरफेस ऑफ इनर सॉलिड स्फीयर व्हाइल एट द सेम टाइम इट लाई इनसाइड द आउटर स्फेरिकल सेल सिंस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन ए बॉडी इनसाइड ए स्फेरिकल सेल इज जीरो सो द बॉडी ऑफ मास एम विल एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ओनली ड्यू टू इनर सॉलिड स्फीयर मास ऑफ इनर सॉलिड स्फीयर देयरफोर एम डैश इज इक्वल 4/3 पाई इंटू आर ई -d के पावर 3 इंटू रो
then gravitational attraction mass m due to inner solid sphere f dash is equal g m dash into small m but upon re minus d का whole square is equal g into m dash का मास रखेंगे इसमें 4y 3 pi into re minus d into rho m upon re minus d का whole square. re minus d का whole square से ऊपर से cancel होगा. इसके पश्चात thus this force must be equal to the weight mg dash of the body where g dash is equal acceleration due to gravity at a depth h below the surface of the earth. Thus mg dash is equal 4 by 3 pi g into re minus d into rho m. m से m cancel होगा. Therefore g dash is equal 4 by 3 pi g into re minus d into rho equation number 4. Dividing equation 4 by equation 1 we get g dash upon g is equal 4 by 3 pi into g into re minus d into rho upon 4 by 3 pi g re rho. यहाँ 4 by 3 pi g rho से rho ऊपर RHS के numerator and denominator में cancel होगा RHS में. This therefore g dash upon g बराबर इज इक्वल होगा re माइनस d अपॉन re. और इसी को कैलकुलेट करेंगे तो g डैश बराबर re कॉमन होगा re से re कैंसिल होगा तो g डैश बराबर g 1 माइनस d अपॉन re. इक्वेशन नंबर 5. फ्रॉम इक्वेशन 5 इट इज ऑब्वियस दैट g डैश स्मॉल देन g i.e. इफ वी गो बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ देन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज. थैंक यू. इसके आगे आपसे कल डिस्कसिंग किया जाए.